Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा. आमेन आमेन. 2021 साल पहले हमारा प्रभु हमारे लिए सबके लिए जो भी इंसान बनकर ये दुनिया में आया है वो सभी के लिए ये गौशाला में चरणी में हमारे लिए जन्म लिया है. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सभी पापी लोगों को बचाने के लिए हमारा धरती पर आ गया. 2000 साल पहले दुनिया में आने के लिए जन्म लेने के लिए एक जगह नहीं मिला था, इसलिए एक गौशाला में एक चरणी में जन्म लिया है. उसका माँ बाप उसको संभाल के देखभाल करने के लिए जगह जगह मिल गया. उधर बहुत प्यार से वो बच्चों को जन्म दिया है. तब दूधों ने ये गाना गाया था, मैंने शुरुआत में बताया है, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर जो लोग हैं उसको शांति. आज हम शांति के लिए तरस रहा है, शांति ढूंढकर इधर उधर भड़क रहा है, परंतु शांति दादा शांति देने वाला है. वो राजा दी राजा मेरे लिए आप लोगों के लिए हर दिन हमारा बलि में आता है, प्रेम लेके आता है, शांति का संदेश लेके आता है, दूसरों को मदद करने के लिए इंसानियत हम दिखाने के लिए वो कहता है. हम उसको स्वीकार करने के टाइम हमारा दिल में हमारा हृदय में हमारा जीवन में हमारा परिवार में जगह भी हम रहता है वो जगह पर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, यीशु का प्रेम हमारा जीवन में आता है. यीशु ने जो कहा है ये दुनिया का सब लोगों के लिए यीशु ने कहा है, पड़ोसी से प्यार करो, हमारा दुश्मनों को प्यार करो. हमारे पास दो शर्ट है तो एक दूसरे को दिला दे दो, जो भूखा लोग है उसको खाना खिलाओ, जो दुखी लोग है उसको सांत्वना दे दो. क्रिसमस का संदेश यही है, हमारी तरफ खुद की तरफ दूसरों को भी प्यार करो, यही है क्रिसमस का संदेश. इसलिए हम ये शांति दादा का संदेश हमारा हृदय में हमारा जीवन में हम फॉलो करना है. यीशु कहता है तुम्हारा पड़ोसी से प्यार करो. कौन है हमारा पड़ोसी? हम ऐसे सोचता है कौन है हमारा पड़ोसी. एक बार एक आदमी यात्रा के लिए जा रहा था, तब चोर लोग उसको पकड़ लिया है, मारा है, बहुत बुरी तरफ मारा है, आधा प्राण छोड़कर वो चले गया है, जो भी चीज था उसके पास सब लूट के गया है. वो रास्ता से बहुत लोग आ रहा था, चल रहा था, परंतु कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं किया है. एक समरायन उसके पास आ गया है, जगह चोट लग गया उसकर दवाई लगाकर दवाई लगाया, इसके बाद उसको लेके हॉस्पिटल लेके गया है, डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर को संभाल के बताया है, कितना भी खर्चा हो जाएगा वो मैं दे देंगे, अब इसको संभालना है. यीशु कहता है कौन है इसमें से, कौन है पड़ोसी हमारा जो हमको मदद करता है, हमारा दुख में दिलासा देता है, बीमार अवस्था में जो हमको आकर मिलता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है,
भूखा अवस्था में जो खाना खिलाता है, प्यासा अवस्था में कौन पानी पिलाता है, ये सब हमारा पड़ोसी है। इसलिए एक क्रिसमस का दिन, ऐसे त्योहार मनाने के टाइम हमारा दिल में भी, हमारा जीवन में भी परिवर्तन होना चाहिए। हम भी सोचना है, जो भी हमको हमारे सामने आता है वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा मित्र है। यीशु ने ही कहा था, दुश्मनों से भी प्यार करो। हमारे लिए बहुत असंभव होता है दुश्मनों को प्यार करना है, परंतु यीशु ने प्यार करके दिखाया है। यीशु का रास्ता सच्चाई का रास्ता है, हालेलुया। यीशु का रास्ता प्रेम का रास्ता है, हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए ये दुनिया में आ गया है। हम सब पापी हैं, पापी को उद्धार करने के लिए आया है। यीशु को क्रूस पर, सूली पर डाल के मृत्यु हो गया है। यीशु के लोगों ने उसने उसको मारा है, कोई दुश्मनी लोग नहीं था। आज भी ऐसे होते रहता है, जो हमारे पक्ष में हम सोचते हैं हमारे साथ है, परंतु वो लोग हमको दुख दिलाता है। ये अवस्था में यीशु का वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। यीशु कहता है क्षमा करो, सभी के लिए प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो। जो आपको श्राप देता है उसको आशीष दे दो। इसलिए क्रिसमस सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रिसमस सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं है। यीशु दुनिया में आया है, कोई जाति कोई वर्ग नहीं बनाया है, सबके लिए आया है। इसलिए हम खुश होना चाहिए, इसलिए हम यीशु के ऊपर हम खुश होना चाहिए। क्रिसमस आएंगे, ईस्टर आएंगे, ऐसे बहुत त्यौहार अलग अलग जाति में त्यौहार आएंगे। ये सब त्यौहार एक ही संदेश देता है, हम खुद की तरफ दूसरों को प्यार करो, दूसरों को मदद करो, जो दुखी है उसको दिलासा दे दो, किसको सहायता चाहिए उसको मदद करो। यही हर त्योहार का मतलब यही होता है। मुझे एक सिर्फ कहना है, हम इंसान होना चाहिए, इंसानियत दिखाना चाहिए, वो रास्ते पर हम चलना चाहिए, सच्चा रास्ते पर चलना चाहिए। हम तब अपन को भगवान से मिल सकता है। जो भी हम पूजा करता है, प्रार्थना करता है, वो भगवान से अपन को मिल सकता है। एक अच्छा ईसाई बनना चाहिए, एक अच्छा हिंदू बनना चाहिए, एक अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, खुद की तरफ दूसरों को भी प्यार करना चाहिए, इंसानियत दिखाना चाहिए। इसलिए हम एक क्रिसमस मनाने के टाइम, मुझको भी ये सिर्फ कहना है, यीशु ने दिया वो शांति, यीशु ने दिया वो शांति हमारे साथ हमेशा रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड।